आफ्टरनून स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम लोग पेपर से राखी बनाना सीखेंगे। बहुत इजी है, सिंपल बेसिक चीज़ों से हम लोग बनाएंगे। ये हमने 2 सेंटीमीटर बाय ये देखिए ऐसे विड्थ में 3 सेंटीमीटर इन विड्थ और ये है 20 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, तो 2 स्टेप्स हम ले लेंगे, 3 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर सेंटीमीटर्स नॉट इंचेस, ओके। 3 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 20 सेंटीमीटर्स इन लेंथ, 2 स्ट्रिप्स हम ले लेंगे। ठीक है, और इसमें हर 1 सेंटीमीटर के बाद जो एक मार्क लगा लेंगे हम, ठीक है, हर 1 सेंटीमीटर के बाद ऐसे स्केल रखेंगे। ठीक है, और हर सेंटीमीटर के बाद ऐसे हम एक मार्क लगाते चलेंगे। ठीक है, और वहीं से हमको फ़ैन फोल्ड कर देना है, तो हम इसको फ़ैन फोल्ड करते हैं। ठीक है, तो ये मेरी एक स्ट्रिप को हमने फैन फोल्ड कर दिया है। ठीक है, अब हम दूसरी स्ट्रिप का फैन फोल्ड करेंगे। ये देखिए एक स्ट्रिप का हमने फैन फोल्ड कर दिया है, अब दूसरी स्ट्रिप का फैन फोल्ड करेंगे। हमने दोनों स्ट्रिप्स को फैन फोल्ड कर दिया है, अब इसकी जो लास्ट एजेस हैं उनको हम ग्लू कर देंगे ऐसे करके। ठीक है, तो हम ग्लू लगाएंगे इसमें सरफेस में और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेना, बहुत ज़्यादा ग्लू ना लगाना। बहुत ज़्यादा ग्लू लगाने से फिर जो है वो रिंकल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे इसको और इस तरह से इसको पेस्टिंग कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे एजेस दोनों इक्वल रहें, इस तरह से ये सिंगल पीस हो जाएगा। ठीक है, और अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो दूसरा एंड है उसको भी हम पेस्ट कर देंगे ऐसे करके, दूसरे एंड को भी हम पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा एक ब्रेसलेट टाइप के बन जाएगा। इस टाइप से, ठीक है, ये हमें ऐसे बन जाएगा। अब हम 2 पेपर लेंगे ऐसे वाइट पेपर से, 2 पेपर ऐसे कट कर लेंगे राउंड। ठीक है, और इसमें एक में हम ग्लू लगाएंगे पहले, अच्छे से ग्लू लगा देंगे और इसको इस तरह से हम क्लोज करेंगे और पेस्ट कर देंगे इसमें। ओके, अच्छी तरह से पेस्ट करेंगे और थोड़ी देर तक इसको रोक के रखे रहेंगे। ये हमने वाइट पेपर इसमें पेस्ट कर दिया है, इसको साइड में रख लेंगे। अब जो रेड पेपर था उसकी एक कटिंग लेंगे और हमने इसकी जो विड्थ रखी थी वो रखी थी 3 सेंटीमीटर्स, तो हम ये 4 सेंटीमीटर्स का एक पीस काट लेंगे। ठीक है, और एक्चुअल हम इसके 2 पीस काट लेंगे। ठीक है, 2 पीस हमने इसमें से निकाल दिए हैं।
एक पीस में हम ग्लू करेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से, ठीक है। और इसको रिवर्स करके ऐसे और पेस्ट कर देंगे इसको। देख पा रहे हैं ना, ठीक है। अब हम एक टेप ले लेंगे, ऐसा सैटिन टेप जो आप हेयर में यूज़ करते हैं, ठीक है, वो ले लेंगे। इसमें थोड़ा सा ग्लू ऐसे करके लगाएंगे, ठीक है, टेप को सेंटर करके इस पर रख देंगे, ठीक है। और फिर हम दूसरे वाले पेपर में भी ग्लू लगा लेंगे, और इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे रिबन के ऊपर, ठीक है। सूखने देंगे इसको थोड़ी देर तक, जब ये ड्राई हो जाएगा तो हम इसको फिर रिवर्स करेंगे। और कोई भी आर्टिकल जो अच्छा से बीच में लगाने के लिए, कोई भी एक आर्टिकल, देखिए हमने ये लिया है आर्टिकल, ठीक है, आप कोई भी बीट्स ले सकते हैं, मोटिफ ले सकते हैं, या कोई और भी ऐसी चीज़ आप ले सकते हैं। पीछे हमने ग्लू कर दिया इसमें, और वाइट वाले जो हमने पार्ट रखा था इसके ऊपर हम इसको रख के पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारी राखी तैयार हो गई, देखिए, ठीक है। आपकी रक्षाबंधन में आप लोग ऐसी राखी बनाइए, ठीक है, और अपनी बहनों को, भाइयों को आपने बांधिएगा, ठीक है। आप अपनी बहनों को गिफ्ट भी कर सकती हैं, और भाई लोग जो हैं उनको देने के लिए, उनको बांधने के लिए, ठीक है। आप अपनी बहन के लिए भी बना सकते हैं, दो चार बना लीजिएगा, वो अपने भाइयों को बांधेंगी, ठीक है, और सबको बताएंगी ये मेरे भैया ने हमको जो है बना के दी है। ओके, सो एंजॉय योरसेल्फ एंड टेक केयर, बाय बाय।